हमारे चौड़ीकरण में पूर्ण रूप से हमारी दुकान चली गई थी और मुआवजा हमको 1 लाख मिला। ये दुकान हमको पड़ी 15 लाख की, 12,000 रुपया किराया। इधर उधर से पैसा व्यवस्था करके सामान जेवर ओवर बेच बाच के किसी तरह हम लोग दुकान अपना लिए। कुछ मुआवजा नहीं मिला और सांसद जी किसी के साथ खड़े नहीं हुए। चाबुक आप चलाए हैं तो जनता भी चाबुक चला दी उसके माध्यम से। हम लोग लगातार 2-3 साल आंदोलन किए हैं और ये लोग आंदोलन में हमारी बात सुनने के बजाय हम लोगों के ऊपर मुकदमा कई लगाए हैं। एक ताना साहिब के ऊपर लगाम है, समाचार है इनके ऊपर। हमको अब लगता है ये सुनेंगे और नहीं सुनेंगे 27 में नहीं जाएंगे। यहाँ तो हमने अपनी आंखों से देखा लोगों की भारी भराई दुकान तोड़ दी गई है और लोग जो है संतोष करके चले गए। चौड़ी चरण में हमारा भी मकान था। समस्या सब वही जाके टिकता कि जो सांसद के साथ कोई सांसद किसी के साथ खड़े नहीं हुए। सही बात, रीजन यही था। रीजन यही था जो सरकारी योजना आई सबको अधिकारी लोग 1 लाख 2 लाख 3 लाख जिसको जैसा हुआ वैसा दिए। किसी कोई संतुष्ट नहीं है मुआवजे से। क्या होना चाहिए था मुआवजा? मुआवजा जैसे एक दुकान 10 फुट का 20 फुट का जा रहा है 2 लाख मिल रहा है, नई दुकानें बना के आप 20 लाख में दे रहे हैं। टेढ़ी बाजार पे जो दुकानें बनी है सबको ये हुआ था जिसकी दुकानें जा रही है उसको दुकान मिलेगा, वहाँ दुकान देने के बदले 20 लाख रुपए 15 लाख रुपए की दुकान है वो आदमी ले ही नहीं पाएगा। कितना आपका गया है? हमारा तो 20 फुट चौड़ा था 10 फुट गहराई था, इतना गया था। 2 मंजिला मकान था। पूरा चला गया? पूरा नहीं गया, गहराई और था। कितना मिला आपको? 4 लाख रुपए। आप उससे संतुष्ट हो? मकान की मकान की अब उसको 4 लाख रुपए में 20 यहाँ 10x10 की दुकान लीजिए, कहीं रोड पे जगह ही नहीं है, मांग इतना है। अब ये सरकारी जो दुकानें बनी है इसकी कीमत ही 20 लाख 15 लाख रखे हैं जो बिल्डिंग में बनी है। आप लोगों के साथ कहने का छल हुआ? छल तो हुआ ही है, इसी मारा ये दिक्कत आया है। अच्छा, क्या कारण हो सकता है यहाँ से अयोध्या में सीट हारने का? सांसद मेन यही चौड़ीकरण से आदमी संतुष्ट नहीं था। और भी प्रोजेक्ट जैसे गली गली चौड़ा होना है वो करना है, आदमी की सोच यही आई कि ना दिया जाएगा तो ये काम रुक सकता है। उचित मुआवजा नहीं मिला और सांसद जी किसी के साथ खड़े नहीं हुए। आप क्या कर रहे हो? दुकान तो आपकी चली गई, फिर क्या कर रहे हो? फेरी वाला काम करते हैं। माल इन्हीं से उठाते हैं? नहीं, लाके माल देते हैं। हमारी दुकान वो सुलभ कॉम्प्लेक्स के ठीक सामने थी। हमारी चौड़ीकरण में पूर्ण रूप से हमारी दुकान चली गई थी और मुआवजा हमको 1 लाख मिला था। कितनी बड़ी दुकान थी? वो 10x10 की थी। किसकी दुकान थी वो? इसी में माला वाला की दुकान थी हमारी। 1 लाख रुपए मिले कहाँ हमको दुकान फिर कहाँ मिली? वो टेढ़ी बाजार पर आवंटित किए थे तो वहाँ पर उनका जो हमको दुकान आवंटित हुई थी वो 15,04,000 कुछ की दुकानें थी। उसके बाद 8% GST था, उसके बाद 70,000 बता रहे थे कि रजिस्ट्री का लगेगा। वो दुकान थी ये आपका टेढ़ी बाजार में जो बना है विकास प्राधिकरण की थी। अब उतना बजट ही नहीं था, कहाँ से लेते? उसके बाद वो दुकान मार्केट से एकदम आउट में है इसलिए हम लोग वहाँ नहीं ले पाए। ये नई दुकानें दशरथ महल के महंत जी ने बनवाया था क्योंकि हम लोग पुराने किरायेदार थे उनके, तो उन्होंने बनवाया। तो अब इधर एक महीना हुआ इस दुकान के लिए। ये दुकान हमको पड़ी 15 लाख की, 12,000 रुपया किराया। जी अब क्या किया, इधर उधर से ले होके सब मांग मूंग के, क्योंकि भाई अब बच्चों को भी लिखाना पढ़ाना, अब इस एज में हम लोग क्या कर पाएंगे, मजबूरी में लेना पड़ा हम लोग को। इधर उधर से पैसा व्यवस्था करके सामान जेवर ओवर बेच बाच के किसी तरह हम लोग दुकान अपना लिए। तो हम लोग को उचित होना चाहिए था कि मान लीजिए हम लोग की पूर्ण रूप से जो सरकार ने कहा था कि आपको कहीं भी स्थापित करा देंगे वो करा देंगे, तो हम लोग को जिसे दुकान हम लोग की गई थी हम लोग को मुआवजा न दिए होते, जो टेढ़ी बाजार में आवंटित हो रही थी हम लोग को निःशुल्क ही आवंटित करा दिए होते, तो कम से कम हम लोग अपना रोजी रोटी अपना किसी तरह करते वहां से। ऐसा नहीं हुआ? ऐसा नहीं हुआ।
प्रशासन विधानसभा चुनाव 2022 के पहले जो है दिनेश शर्मा तत्कालीन उप मुख्यमंत्री जी आए थे और व्यापारियों के साथ समन्वय बैठक में उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम आपको बसाने के बाद उजाड़ेंगे और आपको दुकान के बदले दुकान दिया जाएगा। और बाद में योजना का क्रियान्वयन हुआ, दुकानें तो ले ली गई और 1,00,000 रूपये नॉर्मल मुआवजा दिया गया और दुकान के बदले दुकान देने जो बात किए थे इन्होंने तेरी बाजार चौराहे पर और कौशलेश्वर रेलवे स्टेशन रोड पर करीब 400 दुकानें बनवाए थे और उसका कीमत मांगने लगे 15 से 20 लाख रुपया। यहाँ से अधिकतर व्यापारी जो है गरीब वर्ग के हैं, लिहाजा वहाँ पर 20% लोग ही दुकानें खरीद पाए हैं। 80% व्यापारी जो विस्थापित थे आज भी विस्थापित हैं और उनको आह भी लग रही है। एक गरीब जो विस्थापित में है, दर दर के ठोकरे खा रहे हैं, रोजी रोटी लिए परेशान है, तो गरीबों की आह भी भाजपा को ले रही है। हाँ जैसे आप किसी भी आह नहीं लीजिए, भूम अधिग्रहण अधिनियम आपने लागू नहीं किया, सहमत के आधार पर आपने जमीन नहीं अधिग्रहण किया, आप चाबुक के बल पर पूरा अधिग्रहण करते चले गए अयोध्या फैजाबाद पूरा शहर, तो चाबुक आप चलाए हैं तो जनता भी चाबुक चला दी वोट के माध्यम से और इनको बाहर कर दी। अभी तो ये जनता एक इशारा ही है, आगे 2027 है, इनकी चाबुक ऐसे चलेगा 2027 भी निकल जाएंगे। ये सांसद जी का अब हम लोग अपने जो 2-3 साल का आंदोलन हम लोगों का चला है व्यापारी के लिए, हम लोग लगातार सभी जहां गए हैं, सभी जनप्रतिनिधियों से मिला गया, अधिकारियों से मिला गया, लेकिन कहीं कोई राहत नहीं मिला है। केवल ऊपर से आया है तो मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। आप मानवता पुरुष शाम से नियम पार, हम लोग भी विकास चाहते हैं, विकास होगा सबसे ज्यादा लाभ व्यापारियों को मिलेगा, सबसे ज्यादा बिक्री हम लोग बढ़ेगी, लेकिन जब हमारी दुकान बचेगी तभी तो हम कमाएंगे, दुकान चली गई। अब आप समझ लीजिए हम लोग लगातार 2-3 साल आंदोलन किए हैं और ये लोग आंदोलन में हमारी बात सुनने के बजाय हम लोगों के ऊपर मुकदमा कई लगाए हैं, दुकान मकान सील कर दिए हैं, सैकड़ों बार हाउस अरेस्ट किए हैं, तो दबंगे ये तानाशाही तक की चली आई है और ये तानाशाही के ऊपर एक लगाम है, एक समाचार है इनके ऊपर, हमको अब लगता है ये सुनेंगे और नहीं सुनेंगे 27 में भी जाएंगे। चौड़ीकरण में हम 3 बार भुक्तभोगी, एक दो बार के नहीं, भक्ति पथ में 2 बार, एक बार भक्ति पथ राम जन्मभूमि पथ वाया राम गुलेला होते हुए इसमें भी हम जो है हमारी 2 दुकानें थी, 3 बार चौड़ीकरण में घुमटी हो गई है। दुकानी हमारे 30 फुट 20 फुट ऐसे थी लेकिन अब 10-10 फुट बचा है, फिलहाल ठीक है। मुआवजा 1,50,000। ऐसा है कि दुकान देने से संतुष्ट है, मुआवजे से नहीं संतुष्ट है। होना ये चाहिए था कि भाई जैसे बहुत सी यहाँ जनता पैसे के लिए नहीं मर रही है और आपने जैसे आपने यहाँ 10 फुट की अगर जमीन ले ली सड़क चौड़ीकरण में या किसी चीज के अधिग्रहण में, तो जो आपने वादा यहाँ की जिला प्रशासन ने किया कि लोगों का पुनर्वास कर देंगे और जब पुनर्वास करने का समय आया तो आप 20 लाख 30 लाख 50 लाख गुप्तार घाट के मार्केट में 70 लाख की दुकान उठी है बोली में। आप गरीबों का अगर आप 10 फुट का जगह ले रहे हो उसको 10 फुट 70 लाख में दोगे तो प्यासा रोज कुआं खोद रहा पानी पी रहा है, वो कहाँ से 70 लाख लाएगा, वो तो कोई उद्योगपति है नहीं। ये सब चीज प्रशासन को सोचना चाहिए था और गवर्नमेंट को सोचना चाहिए था कि अगर लोगों का हनन हम कर रहे हैं तो उसकी व्यवस्था भी हमें देनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उनको घर उनका घर ले लिए, दुकान ले लिए, उनका खेत ले लिए और उनको आप बाहर का रास्ता दिखा दो। 2 दिन पहले तो ऐसा लग रहा था कि हम लोगों को अयोध्या छोड़ना पड़ जाएगा, यहाँ के जो छोटे मोटे तबके के जो व्यापारी हैं, लेकिन अब 2 दिन से कुछ राहत है कि कुछ उम्मीद जग रही है कि बच सकते हैं। वजह लोकसभा हारना यही है कि लोगों यहाँ के जो निर्वाचित पदाधिकारी उनका ओवर कॉन्फिडेंस, उनका घमंड, ये उनको लीड हुआ। बिल्कुल असर है, 100% असर है। अगर यहाँ के निर्वाचित पदाधिकारी चाहते तो वो बड़े बड़े मठ मंदिरों और छोटे छोटे गरीब व्यापारियों का सेटलमेंट करा सकती थी,
लेकिन यहाँ के लोगों ने ऐसा नहीं चाहा, यहाँ के पदाधिकारियों ने इस पे उन्होंने सोचा तक नहीं। अगर वो सोचते तो छोटे मोटे गरीब दुकानदार व्यापारी जो भी हैं यहाँ उनका सेटलमेंट बड़े बड़े मठ मंदिरों से हो जाता और लोगों को यहाँ से विस्थापन न करना पड़ता। बहुत लोग तो इसमें व्यापारी ऐसे हैं जो शारीरिक रूप से कमजोर थे, जिनकी मृत्यु हो गई हार्ट अटैक से, किसी अन्य चीज से, ऐसे ऐसे लोग भाई जिनका परिवार में आपके अगर एक आदमी की मृत्यु हो जाए तो आप दो चार दिन बाद रो करके फिर नॉर्मल हो जाएंगे, लेकिन किसी की रोजी रोटी छिन जाएगी तो पूरा परिवार समझ लीजिए मृतक हो जाता है। यहाँ तो हमने अपनी आंखों से देखा लोगों की भरी भराई दुकान तोड़ दी गई है और लोग जो है संतोष करके चले गए हैं। उसी का खामियाजा इनको वोट के माध्यम से भुगतना पड़ रहा है और उनके अंदर सुधार नहीं है तो आगे भी भुगतना पड़ेगा। अभी बहुत से चुनाव होने 27 में 29 में इन लोगों को मुंह के बल गिरना पड़ेगा।